टावर आए इतने दूर तो आपको हम खालिया तो नहीं आने देंगे। पहले इन्होंने चाय पिलाई, समोसे खिलाए, अब ये बोल रहे हैं फ्रेश को यहाँ की बहुत मशहूर जलेबी है। तो आज के मुँह में तो पानी आ गया है। तो वहाँ पे रश देख सकते हैं आप माशाल्लाह से भाई। अब दूसरा बैच आएगा तो उसके लिए अब चेकिंग हो रही है। नेशनल एंथम हुआ। और ये ऐसा मामला होता है रोड वोड टूटने का तो हम गिर भी सकते थे और बहुत टाइट वाला ज़ख्मी हो जाता है, तो ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। मेरा नाम आया, इससे पहले भी ईमेल आई थी हमारे पास लेकिन वो बारिश की वजह से हम जा नहीं सके थे और आज हमें मौका मिल रहा है जाने का। तो आज हमारे साथ थोड़ा बाइक का सीन हो गया है तो अब देखते हैं हमारे मामा कितनी स्पीड से काम करते हैं कि जल्दी काम करेंगे तो ही हम पहुँच सकेंगे। अभी हमें जाना है यहाँ से सदर और अभी भी कम से कम 15 मिनट लगेंगे और 6 बजे हमारा ना टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। लिए हम अंदर आ गए हैं तो देखते हैं पेपर वगैरह पटना स्टार्ट हो गए हैं। आज भी डर तो नहीं लग रहा भाई, यहाँ पे कैमरा ऑन करना अलाउ तो नहीं रहता। पूरा की ताकि और जो दूसरे स्टूडेंट थे जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है अब उनका नंबर स्टार्ट होगा। तो फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आएँ तो अप्लाई करनी चाहिए लाजमी हमें। मेरा ब्लॉग बनाने का मकसद ये था कि भाई बहुत लोग अप्लाई करते हैं और सबको चांस मिलता है, बाकी नसीब है। कि आप देखें माशाल्लाह से ये सब देख के जा चुके हैं, हम लोग थोड़ा सा लेट आए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें एंट्री तो हो ही गई। तो यहाँ पर सब लड़के देख के जा चुके हैं और अभी भी कुछ बच्चे दे रहे हैं। तो ये सीन है सारा माशाल्लाह से, देख सकते हैं माशाल्लाह से ये गवर्नर हाउस है और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं, हमें अप्लाई करनी चाहिए, अब वो हो ना हो हमारा नसीब है लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए। तो मेरा यही पैगाम थी कि लड़कों से कि दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ पर फैसिलिटीज़ भी बहुत सारी हैं, अगर बंदा करना चाहे, मतलब एक दो काम नहीं है, काम बहुत है, हर फील्ड के अंदर 100 फील्ड्स हैं। ये हम आ गए मेन बिल्कुल जहाँ पर इन्होंने तराना हुआ था। तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है प्लीज वो क्विकली एक्सेप्ट करें। अब हम बिल्कुल ताकि हम सेकंड शिफ्ट को इन करवाना शुरू करें। चलो वहाज भाई आगे चले गए वो एग्जिट करने का। तमाम स्टूडेंट्स प्लीज क्विकली एग्जिट करें ताकि सेकंड शिफ्ट इन होना शुरू हो जाए। तो अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं और बाहर का रास्ता आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे लोग बाहर जा चुके हैं और हम लोग भी बाहर जा रहे हैं। तो भाई चीटिंग का सीन ऐसा है, चीटिंग का सीन तो है ही नहीं बिल्कुल भी ना, बहुत ज़्यादा सख्ती है क्योंकि एक एक जगह पे 4-5 है ना वॉलंटियर खड़े हुए। तो मैं वाज भाई से यही बोल रहा था कि यार पेपर मुश्किल तो नहीं था लेकिन सख्ती बहुत ज़्यादा थी।
तो अब हम जल्दी से जाएंगे, हमारा बैग रखा हुआ है बाहर जो कि उसके अंदर हमारा DSLR और ना ड्रोन रखा हुआ है जो हमने अभी लिया था ट्राई करने के लिए, लेकिन अभी हमने यूज़ नहीं किया। तो फाइनली आप जल्दी से अपना बैग लेने जाएंगे और मोबाइल में रखता हूँ, फिर मैं आपको बाहर जाके ज्वाइन करता हूँ। तो वहाँ पे रश देख सकते हैं आप माशाल्लाह से भाई। अब दूसरा बैग आएगा तो उसके लिए अब चेकिंग हो रही है, तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। ये ब्लॉग अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बस आपके भाई को मोटिवेशन की ज़रूरत है तो कमेंट्स करके हमें मोटिवेट करें ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाते रहें, ताकि हम डीमोटिवेट ना हो और हिम्मत ना हारें। तो अब आज भाई चलते हैं, फिर हम अशर भाई को कॉल करो, अशर भाई हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, असल में उनका ऑफिस यहीं पर ही है। तो भाई जैसे हमने बताया था कि हम अशर भाई से मिलने जा रहे हैं, तो हम अशर भाई के पास आ गए। अशर भाई का ऑफिस इसी बिल्डिंग के अंदर है, आप देख सकते हैं। कोई भी काम हो तो अशर भाई आप टावर पर आपको मिल जाएंगे, अशर भाई मिल जाएंगे ना हमारे व्यूअर्स के लिए, तो आपके लिए सारी सर्विस। हाँ सारी सर्विस सारी। तो भाई हमारे अशर भाई लैपटॉप वगैरह काम करते हैं, हर चीज़ माशाल्लाह से फुल VIP। तो किसी को भी कोई भी चीज़ ज़रूरत हो हमारे अशर भाई से रब्ता करें, जो कि भाई आपके आप हमारे फैंस हैं तो हम कोऑपरेट करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा। और आज भी मज़ा है ना आज, तो अभी हमने चाय पी, अशर भाई ने चाय पिलाई जो कि बड़ी मज़ेदार चाय हो रही थी, और समोसे के साथ तो फिर मज़ा ही आ गया। अब अशर भाई बोल रहे हैं आप लोग सदर टावर आए इतने दूर तो आपको हम खालिया तो नहीं आने देंगे। पहले इन्होंने चाय पिलाई, समोसे खिलाए, अब ये बोल रहे हैं फ्रेश को यहाँ की बहुत मशहूर जलेबी है। तो आज के मुंह में तो पानी आ गया है आज। फाइनली जलेबी आ गई, और जब मैंने खाई तो मैं अलग ही दुनिया में चले गया। और ये अशर भाई की भाई मेहरबानी है कि हमें फ्रेश होकर उन्होंने जलेबी खिलाई, कि अभी तक मैंने नहीं खाई थी, और जब मैंने खाई तो भाई मैं फ़ैन हो गया। अब मैं जब भी सर जाऊँगा तो फ्रेश होकर जलेबी तो लाजमी खाऊँगा। और शुक्र को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैंने चाय पिलाई जो कि बड़ी मज़ेदार चाय हो रही थी, और समोसे के साथ तो फिर मज़ा ही आ गया। अब अशर भाई बोल रहे हैं आप लोग सदर टावर आए इतने दूर तो आपको हम खालिया तो नहीं आने देंगे। पहले इन्होंने चाय पिलाई, समोसे खिलाए, अब ये बोल रहे हैं फ्रेश को यहाँ की बहुत मशहूर जलेबी है। तो आज के मुंह में तो पानी आ गया है आज। फाइनली जलेबी आ गई, और जब मैंने खाई तो मैं अलग ही दुनिया में चले गया। और ये अशर भाई की भाई मेहरबानी है कि हमें फ्रेश होकर उन्होंने जलेबी खिलाई, कि हम अभी तक मैंने नहीं खाई थी, और जब मैंने खाई तो भाई मैं फ़ैन हो गया हूँ। अब मैं जब भी सर जाऊँगा तो फ्रेश होकर जलेबी तो लाजमी खाऊँगा। और शुक्र तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।